नमस्कार, मैं हूँ रोहित। जैसे कि मैं महाराजगंज और दुरंगा की तरफ जा रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि जहाँ हम लोग पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और हर एक पेड़ को संरक्षित करने की बात करते हैं, ये सरकारी पेड़ है जो वन विभाग के देख रेख में होता है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इस पेड़ की कटाई की जा रही है। ये नौलपुर गाँव है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार यहाँ से पेड़ें कटती जा रही हैं और जितने भी लोग आते हैं और इस पेड़ को बिना वजह काट लेते हैं, लेकिन इसको संज्ञान में लेने वाला कोई भी नहीं है। पेड़ को काटा गया है और ये शीशम का पेड़ लग रहा है। और देखिए, बिहार सरकार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जनजीवन हरियाली की बात कर रही है। तमाम सभी जगहों पर जाएंगे तो एक वन विभाग अपने स्तर से पेड़ पौधों को लगाती है, लेकिन जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, जब तक कोई जागरूक नहीं होगा, तो फिर हम कैसे पर्यावरण को बचा पाएंगे। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही नहीं, महाराजगंज और दुरांधा के बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी कटाई की जा चुकी है, और बहुत सारे ऐसे घड़े हैं जो अवैध रूप से उसके सरकारी जमीन में कब्जा जमाए गए हैं, और उसके बाद पेड़ों को काट कर फेंक दिया गया है। और यहाँ के जो पेड़ हैं, अभी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कटाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी ये छोटे छोटे पेड़ हैं और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो बड़े हो चुके हैं और लगातार ये बढ़ने की स्थिति में थे, लेकिन इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा, स्थानीय वन विभाग के जो भी अधिकारी है, मैं अनुरोध करूँगा कि लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है उनको बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर पाएंगे। लगातार हमारे देश में प्रदूषण हर एक शहरों में बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ पे लोगों को जागरूकता की कमी है और ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन से पेड़ को काटना चाहिए, कौन से पेड़ को नहीं काटना चाहिए। यहाँ के जो भी ग्रामीण है उनको लगता है कि ये जो सरकारी पेड़ है ये अपने ही पेड़ है, लेकिन अगर सरकारी पेड़ को काटते समय अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आप पर केस भी चल सकता है। तो इसलिए आप ग्रामीण से भी अनुरोध है कि कम से कम आप पेड़ों की कटाई ना करें, पेड़ों को संरक्षित करने की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ों को संरक्षित करेंगे तब जाके हमें शुद्ध हवा मिलेगा। जो भी सरकारी पेड़ होती है उसमें चिन्ह लगाए जाते हैं, और यहाँ पर सरकारी जो पेड़ हलाए गए थे वहाँ पर देखिए पेंटिंग किया गया है रेड और वाइट से, और इसे पेंट करके ये बताया गया है कि ये सरकारी पेड़ है, आप इसे नहीं काट सकते। लेकिन अब क्या बताएं लोगों की मानसिकता, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैं मांग करूँगा कि इस सारे पेड़ को संरक्षित करें और जो भी पेड़ों को काट रहे हैं उनको समझाएं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। अब ये इन पेड़ों की क्या दोष है, ये बेजुबान है, ये तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य इंसानियत के नाते हम ही इन्हें बचाएं। चलो दोस्त, अभी तुमको हम नहीं बचा पाए, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा जब हम देखेंगे तो जरूर तुम्हें बचाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता की वजह से आज हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है और तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। चलो, फिर अगर तुमको हम देखते हैं तो जरूर तुमको बताएं।